significant economic presence of a non-resident in India. अब देखिए अभी जो रूल्स हैं इनकम टैक्स के उनके हिसाब से अगर एक फॉरेन कंपनी है उसके जो बिजनेस प्रॉफिट है वो इंडिया में टैक्स होते हैं जब इसकी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट या बिजनेस कनेक्शन हो. बिजनेस प्रॉफिट में भी टैक्स इन द सोर्स कंट्री ओनली इफ द एंटरप्राइज हैज अ पीई इन सोर्स स्टेट. जब हम पीई की बात करते हैं मोर ऑफन देन नॉट दिस रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी सम फिजिकल प्रेजेंस. ये जो फॉरेन कंपनी है इसका कोई ऑफिस होना चाहिए, ब्रांच होनी चाहिए या कोई एजेंट होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा हो जो फिजिकली इस जगह पर सोर्स कंट्री में प्रेजेंट हो. पी इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रेजेंस इन अनदर कंट्री. हाउएवर ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एन एंटरप्राइज कैन कंटिन्यू डूइंग बिजनेस इन एनी कंट्री विदाउट एनी फिजिकल प्रेजेंस इन दैट कंट्री. अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एप्पल स्टोर पे अवेलेबल होती है. अब एप्पल स्टोर इंडिया में तो है नहीं लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो यहाँ से चीज़ें परचेज करते हैं. सिमिलरली फेसबुक एंड मेनी अदर क्लाइंट्स और मेनी अदर कंपनीज कैन ऑपरेट. यू नो आपने पीछे सुना होगा कि व्हाट्सएप का क्योंकि उस पर बहुत सारी न्यूज़ थी जो डिज़ायरेबल नहीं थी वो फ्लोट अराउंड हो रही थी और इनका कोई इंडिया में प्रेजेंस नहीं था इसलिए गवर्नमेंट आस्क देम टू हैव समवन इन इंडिया हु विल बी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल इन केस देर इज़ एनी रॉन्ग थिंग विच इज़ बीइंग सर्कुलेटेड थ्रू देम. राइट, तो इन सब के लिए पॉसिबल है कि ये इंडिया में है नहीं लेकिन फिर भी इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं. इकोनॉमिक कनेक्शन है. जब फेसबुक इंडिया में लाइव जाती है उस पर जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट कलेक्ट करती है किससे? इंडियन एडवर्टाइजर से. तो इंडिया से पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन इंडिया में कोई टैक्स नहीं दे रहे. क्यों? क्योंकि इनके पीई नहीं है और पीई जो अभी तक का कॉन्सेप्ट था वो फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर बेस्ड था. OECD BEPS Action Plan 1 to address the tax challenges in a digital economy recommended a new nexus rule based on significant economic presence. तो OECD ने कहा कि पी नहीं, आप सिग्निफिकेंट मतलब जो काफ़ी ज़्यादा हो, इकोनॉमिक मतलब जिससे कुछ बिजनेस हो रहा हो, चैरिटेबल नहीं, प्रेजेंस. अगर आपका इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है भले ही चाहे फिजिकल प्रेजेंस नहीं है देन ऑल्सो द प्रोफिट्स मे बी लायबल टू टैक्स इन द सोर्स स्टेट. एज पर द रिपोर्ट प्लान ऑन एक्शन 1 अ नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइज वुड क्रिएट अ टैक्सेबल प्रेजेंस इन अ कंट्री if it has significant economic presence in that country, that is it has purposeful and sustained interaction. एक purpose के साथ वो काम कर रहे हैं. ये purpose क्या है इनका? कि advertisement का revenue collect करें. And sustained means लगातार, ऐसे नहीं कि एक छोटा मोटा कोई transaction हो गया. With the aid of technology and other automated tools. अगर आप ये कर रहे हैं then you have a significant economic presence in that country and then the source country should have right to tax this. Now, when I look at the Income Tax Act, what's the meaning of this significant economic presence? So, section 911 essentially provides for physical presence based nexus rule for taxation of business income of non-resident in India and covers, actually this should be a small a, and covers certain activities or transactions of non-resident carried out through a dependent agent. या तो फिजिकल प्रेजेंस है आपका ऑफिस के फॉर्म में या आप डिपेंडेंट एजेंट के थ्रू काम कर रहे हो. नाउ दे हैव एडेड एक्सप्लेनेशन 2A टू सेक्शन 911 ऑफ द IT एक्ट टू प्रोवाइड दैट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया शैल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन. अगर एक नॉन रेजिडेंट है उसका इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इवन दिस विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ business connection and any income that the non-resident derives through this significant economic presence will be liable to tax in India. So what is the meaning of this significant economic presence? Any transaction of a non-resident in India in respect of any goods, services or property including provisions of download of data or software in India where the aggregate of payments or revenue arising from physical goods or services and digital goods or services during the previous year exceeds the prescribed limit.
तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जो इंडिया में गुड्स बेच रहा है, इंडिया के बाहर से सर्विसेज बेच रहा है या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, विच में इंक्लूड व्हाट, डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया. तो आप जैसे कोई डेटा डाउनलोड करते हैं, कोई रिपोर्ट्स डाउनलोड करते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं बाहर की जो रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं अपनी इंडिया में यूज़ करने के लिए अलाउ करती हैं. तो इफ़ यू डाउनलोड दीज रिपोर्ट्स और इफ देयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट यू परचेज, देन इन दैट केस इफ द एग्रीगेट ऑफ पेमेंट और रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम फिजिकल गुड्स और सर्विसेज एंड डिजिटल गुड्स और सर्विसेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट. अगर ये एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है, चाहे वो रेवेन्यू फिजिकल गुड्स और सर्विसेज से हो रहा हो या डिजिटल गुड्स और सर्विसेज से हो रहा हो, राइट, अभी ये लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की है. एक तो ये हो गया सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस. दूसरा क्या, सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस सॉलिसिटिंग ऑफ इट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया और एंगेजिंग इन इंट्रैक्शन विद सच नंबर ऑफ यूजर्स इन इंडिया एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. तो अगर आप सपोज आप फेसबुक हैं और आप इंडिया में लेट्स से 100 मिलियन लोगों से ज़्यादा में इंटरेक्ट करते हैं, राइट, आई थिंक आई हैव पुट इन द राइट नंबर, राइट. सो अगर आप इतने लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं सपोज, देन इन दैट केस यू विल बी कंसिडर्ड एज हैविंग अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया. दिस एक्चुअली आई थिंक 100 करोड़, नॉट 100 मिलियन. नो थ्रेशोल्ड ऑफ द नंबर ऑफ यूजर्स हैज़ बिन प्रिस्क्राइब बाई सी बी डी टी विद हुम द नॉन रेजिडेंट एंगेजेज इन इंट्रैक्शन और कैरीज आउट सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया. अभी तक इसकी कोई लिमिट प्रोवाइड नहीं की गई है. बट अगर आपका ये हो भी जाता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, जो बिजनेस कनेक्शन का रूल है कि ओनली सो मच ऑफ इनकम एज इज एट्रीब्यूटेबल टू सच ट्रांजेक्शन्स और एक्टिविटीज शैल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. अगर आपकी $100 की इनकम है लेकिन इंडिया की जो एक्टिविटी है वो सिर्फ $10 के वर्थ है, तो इंडिया में सिर्फ $10 का टैक्सेशन होगा, 100 का नहीं. नाउ वन ऑफ द अदर थिंग्स व्हिच इज प्रोवाइडेड इज दैट द ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज रेफर्ड अबव शैल कॉन्स्टिट्यूट SEP वेदर और नॉट द अग्रीमेंट फॉर सच ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज इज एंटर्ड इनटू इंडिया. तो सपोज आप एप्पल स्टोर पे अगर कुछ भी खरीदते हैं, इट सेज कि ये जो अग्रीमेंट है आप हमारे साथ एंटर कर रहे हैं, ये दिस विल बी गवर्न बाय द लॉज ऑफ लेट्स से न्यूयॉर्क, राइट, एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज हैविंग बीन एग्जीक्यूटेड इन न्यूयॉर्क. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, इट माइट बी डिफरेंट ऑल्सो, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट अज्यूमिंग दैट बी द केस, इवन इफ दिस अग्रीमेंट इज नॉट एंटर्ड इन टू इंडिया, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस टू द टैक्सेशन ऑन SEP. द नॉन रेजिडेंट हैज़ अ रेजिडेंस और अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ये हमने डिस्कस किया, चाहे उसका ऑफिस है नहीं है, बिजनेस की प्लेस है नहीं है. द नॉन रेजिडेंट रेंडर सर्विसेज इन इंडिया, अगर आप सर्विसेज इंडिया के बाहर भी दे रहे हैं तो भी ये प्रोविजन्स लग जाएंगे.